जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस विशेष प्रस्तुति में, जिसमें आप देखने जा रहे हैं श्री 1008 आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर अतिशय क्षेत्र भुसावर राजस्थान में सोमवार 18 अक्टूबर 2021 को आयोजित हुए मूलनायक भगवान श्री 1008 ऋषभ देव जी के श्री चरणों में पावन शांति धारा एवं सहज तपस्वी मुनिश्री 108 युधिष्ठिर सागर जी महाराज की 60 दिवसीय महाव्रत पारणा के मंगलमय दृश्य। क्षेत्र पर विराजमान मूल नायक भगवान श्री 1008 ऋषभ देव जी की प्रतिमा अति प्राचीन, परम अतिशयकारी एवं सर्व मनोकामना पूरक है। ये प्रतिमा अपने भूगर्भ में विराजमान थी। वर्ष 2009 में भुसावर में अपने प्रथम चातुर्मास के दौरान पूज्य मुनि श्री 108 युधिष्ठिर सागर जी महाराज ने इस प्रतिमा जी के महत्व को पहचाना और उसी समय से वो इस मंदिर जी के जीर्णोद्धार कार्य में जुट गए। इस परम पावन प्रतिमा जी के पंच कल्याणक में क्षेत्र पर पूज्य आचार्य श्री 108 वसुनंदी जी महाराज का मंगल आगमन हुआ। इस दौरान जब प्रतिमा जी को प्रतिष्ठापित करने के लिए उठाया गया, तब प्रतिमा बहुत भारी हो गई और भक्तों के लिए उसे उठाना असंभव हो गया। लेकिन ये परम अतिशय की बात है कि सहज तपस्वी पूज्य मुनिश्री 108 युधिष्ठिर सागर जी महाराज के हाथ लगाते ही प्रतिमा हल्की हो गई और बड़ी ही सहजता पूर्वक यथास्थान विराजमान हो गई। इन्हीं परम पावन मूल नायक भगवान श्री 1008 ऋषभ देव जी के श्री चरणों में सोमवार 18 अक्टूबर 2021 को पावन शांति धारा एवं सहज तपस्वी मुनि श्री 108 युधिष्ठिर सागर जी महाराज की 60 दिवसीय महाव्रत पारणा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए सबसे पहले भगवान का मंगल अभिषेक एवं पावन शांति धारा की गयी। तत्पश्चात मंगल पूजन कर भगवान की आरती की गई। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। यह मंदिर इसी रूप से भूगर्भ में स्थापित था, परंतु इसकी मनोकामना सिद्धि के बारे में किसी को भी मालूम नहीं था। मुनि श्री युधिष्ठिर सागर महाराज 2009 में यहाँ पधारे और उन्होंने इसके बारे में सबको विदित कराया कि इस मूर्ति के अंदर 108 विशेष चिन्ह हैं।
यह प्रतिमा जी सभी प्रतिमाएं बहुत प्राचीन हैं, परंतु इसका जीर्णोद्धार मुनि श्री युधिष्ठिर सागर जी ने कराया और आज यह मंदिर बहुत सुंदर अति सुंदर सब मूर्तियों समान ये सब यहाँ पर विराजमान की गई हैं। 2019 में इसका जीर्णोद्धार और पंचकल्याणक हुए हैं। और फिर कार्यक्रम में उपस्थित श्रावक व श्राविकाओं द्वारा क्षेत्र को लेकर अपने मंगल भाव प्रकट किए गए। वैसे तो ये जगह दिगंबर जैन समाज में प्राचीन समय से ही फेमस थी, प्रसिद्ध थी, लेकिन विशेष योगदान यहाँ पे श्री 1108 मुनि युधिष्ठिर सागर जी महाराज का रहा, जो क्षेत्र में रहने की, खाने की और दर्शन करने की व्यवस्था नहीं थी, उस क्षेत्र पर इतना विशाल मंदिर बनाया है। छोटा सा गांव है ये, लेकिन इतना विशाल मंदिर, ठहरने की भोजनालय है, यात्रियों को ठहरने की जगह है, सब प्रकार की सुविधा यहाँ है। यहाँ पे यात्री आए, उनको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा, किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। हम तो यहाँ बारम्बार आते रहते हैं और जब भी आते हैं तो कुछ ना कुछ नया ही क्षेत्र पाते हैं। मैं राजेश जैन बोल रहा हूँ। मैं पहले महाराज जी के संपर्क में रहा, जब मैं यहाँ पहली बार दर्शन करने आया तो ये यहाँ पे जो है खंडर था बिल्कुल ये जगह, और नीचे नीचे जाके दर्शन होते थे, भूगर्भ में जाके दर्शन होते थे मंदिर में। लेकिन आज अगर हम यहाँ पे आके दर्शन करें तो हम विश्वास नहीं करेंगे कि इतना विशाल मंदिर छोटी सी जगह में बन गया। ये भी प्रभु का अतिशय है कि एक छोटी सी जगह में इतना विशाल मंदिर बन गया है कि कोई कल्पना नहीं कर सकता। और सब तरह की सुविधा यहाँ पे है, यात्री यहाँ पे आए और दर्शन का लाभ लें। 2019 में महाराज युधिष्ठिर सागर जी महाराज के सानिध्य में इस मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ। पहले यहाँ बहुत छोटा सा एक खंडर था जिसमें नीचे भूगर्भ में प्रतिमाओं के दर्शन होते थे। अति प्राचीन यह प्रतिमा बहुत ही अतिशयकारी है और महाराज जी ने यहाँ पर पधार करके इसमें अतिशय गुण देखा। उन्होंने पाया कि इसमें 108 चिन्हों से ज़्यादा शुभ चिन्ह हैं जो जल्दी से किसी भी प्रतिमा में नहीं पाए जाते। उसके बाद लोगों को पता लगा कि यह मनोकामना सिद्धि करने वाली प्रतिमा है। इसके दर्शन से किसी भी प्रकार की जो मनोकामना हमारी होती है वो पूर्ण हो जाती है। 2019 से मैं लगातार यहाँ आ रहा हूँ दर्शन के लिए। मेरा नाम अशोक जैन है, मैं दिल्ली सिविल लाइन से आता हूँ यहाँ पर, हर महीने तकरीबन दर्शन करने आता हूँ। इतना बड़ा स्थान यहाँ बन गया है भुसावर में कि इस तीर्थ क्षेत्र में रहने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था और आने के लिए बहुत ही सीधा रास्ता है। दिल्ली के आसपास के लोग और ख़ास तौर से महावीर जी और तिजारा जाने वाले लोग इस क्षेत्र में दर्शन के लिए आते रहते हैं। यह क्षेत्र महावीर जी से मात्र 1.5 घंटा पहले महुआ के पास में स्थित है और दिल्ली से तकरीबन 250 किलोमीटर के करीब पड़ता है। यह क्षेत्र मथुरा भरतपुर होते हुए यहाँ पर पहुँचा जा सकता है। भुसावर में यह क्षेत्र मथुरा भरतपुर रोड पर छोकरवाड़ा जगह से यह स्थान तकरीबन 7 किलोमीटर अंदर है, लेकिन रास्ता बहुत सुंदर बना हुआ है, सारी टोल रोड है और व्यवस्थाएं बहुत सुंदर है, इसलिए पहुंचने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती। श्री युधिष्ठिर सागर महाराज का चतुर्मास यहाँ पर इस वर्ष संपन्न हुआ है, अभी चालू है, और महाराज श्री ने पहले 50 उपवास किए थे, अभी महाराज जी ने 60 उपवास का नियम लिया है और 60 उपवास लगातार करेंगे। उनके लगातार 60 उपवास हो चुके हैं और आज उसका पारना है, हम लोग उस पारने में आए हैं। मैं यहाँ पर हर तीसरे दिन या हर महीने जब भी मेरा मौका लगता है मैं दर्शन के लिए आती हूँ। इसमें महाराज श्री युधिष्ठिर सागर महाराज को की विशेष उपलब्धि से मेरा जन्म सफल हो गया है और आज उनका 60 दिन के बाद पारना है। उसी की वजह से हम लोगों का सारा परिवार, डालमिया परिवार, यहाँ पर पधारा हुआ है। आप लोगों को भी मैं ये कहूँगी कि आप लोग भी इस अतिशय क्षेत्र पे आकर अपनी मनोकामना सिद्धि करें और इस मंदिर के दर्शन जरूर करें। मैं अलका जैन डालमिया राजपुर रोड सिविल लाइन से हूँ।
भुसावर का अतिशय क्षेत्र है। श्री आदिनाथ भगवान का ये मंदिर है। ये प्रतिमा इतनी सुंदर और सौम्य है कि इसको देखते रहने का मन करता है। मैं आप सबसे ये आग्रह करूंगी कि आप सब इस मंदिर में आए और अपना धर्म का पुण्य लाभ अर्जित करें। मैं राजेश जैन भुसावर से, आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर अतिशय क्षेत्र भुसावर से मैं बोल रहा हूँ। और अतिशय क्षेत्र भुसावर जो कि भरतपुर जिले में आता है, और ये भरतपुर से जयपुर जो हाईवे निकलता है उस रूट पे स्थित है। ये छोंकरवाड़ा से मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर उपस्थित है। और वैसे तो यहाँ लोगों का काफी समय से आना जाना है, और यहाँ इस चमत्कारिक प्रतिमा से लोगों के बहुत से ऐसे कार्य हुए हैं कि लोगों का मन ही नहीं हटता कि हम यहाँ से जाएं। इतनी मनोपूर्ण प्रतिमा है कि उस बस प्रतिमा को देखते रहें, ऐसे लोगों के भाव हमेशा रहते हैं। और मैं यहाँ करीब 6-7 साल से बाबा की सेवा में हूँ, सेवा करता हूँ। और यहाँ पे मुनि श्री युधिष्ठिर सागर जी विराजमान हैं, उनका चतुर्मास चल रहा है। और वैसे यहाँ पे आने के लिए सबके लिए सारी व्यवस्थाएं हैं, कमरे भी हैं, भोजन की व्यवस्था भी है, ठहरने की व्यवस्था भी है। तो मैं तो ये कहूँगा कि सब लोग आए और धर्म लाभ लें, और इस एक बार आके इस प्रतिमा के जरूर सब दर्शन करें। भगवान की भक्ति में मग्न हो भक्त भगवान का भजन पूजन करने लगे। कार्यक्रम के क्रम में आगे भक्तों द्वारा सहज तपस्वी पूज्य मुनि श्री 108 युधिष्ठिर सागर जी महाराज के 60 दिवसीय महाव्रत का मंगलमय पारणा कराया गया। सभी भक्तों ने वात्सल्य पूर्वक पूज्य मुनिश्री को आहार दिया। आहार के समय भक्तों का जमावड़ा देखते हुए ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे हर कोई पूज्य साधु श्री को आहार देने के लिए लालायित हो, क्योंकि ये पूज्य मुनिश्री के 60 दिवसीय महाव्रत का पारणा जो था, हर कोई ऐसे महा अवसर पर आहार दान के पुण्य फल से वंचित रहना नहीं चाहता था।
मंगलमय जयकारों के बीच पूज्य मुनिश्री का भव्य पारणा संपन्न कराया गया। कार्यक्रम समापन पर पूज्य मुनिश्री द्वारा अपने आशीर्वचनों से भक्तों को कृतार्थ किया गया। भुसावर में 2009 में जब मैं प्रवेश कर किया मैंने, जब मूर्ति अति चमत्कारी दिखाई दी, दरवाजे पे खड़े होके मैंने बताया कि मूर्ति चमत्कारी है, इस मूर्ति से ऊपर की आदिवादी पीढ़ाई निकलती है, इस पे कुल मिलाकर 108 चिन्ह है। इसके बाद इस मंदिर का विकास की योजना बनाई गई, धीरे धीरे विकास किया गया और पंच कल्याण के समय 14 मुनि महाराज यहाँ मौजूद थे, उनके सानिध्य में पंच कल्याण हुआ। आचार्य वसुनंद जी भी थे, उसमें मैं था साथ में। और जब मूर्ति ऊपर लाई गई तलगढ़ से, तब वसुनंद जी ने पूरी कोशिश की, उनके हाथ से ये प्रतिमा हिली नहीं। मैंने स्वयं ने जब मूर्ति के हाथ लगाया हिली और मैंने कह दिया आप लोग सब लेके चले ऊपर, अन्यथा नहीं। मूर्ति ऊपर आई, आज उसी जगह विराजमान है और अभिषेक पूजा पाठ होती है। आज अति सहकारी चमत्कार होने के कारण बार बार के दुनिया भर के लोग आके दर्शन कर रहे हैं, यही मेरा कहना है। और भगवान से ये प्रार्थना है अधिक से अधिक धर्मावलियों को अपने प्रांगण में बुलाए और इसका विकास की योजनाएं करें आगे की। इसी के साथ अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। आपसे फिर मुलाकात होगी इस तरह की एक और विशेष प्रस्तुति में। आज्ञा दीजिए, जय जिनेंद्र।